कोविड के टाइम में शूट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि आज आप काफी इमोशनल लग रहे हैं आज। हाँ, क्योंकि समीक्षा नहीं है यहाँ पे, वो काम से गोवा है, विशाल काम से रशिया है, तो अकेला हूँ आज। लेकिन अकेला नहीं हूँ, आप सबका साथ है। मेरे जितने भी मेरी ऑनलाइन फैमिली है, सबने क्या तादाद में क्या एंगेजमेंट दिखाई है। जितने कमेंट्स लोगों को मिलियन मिलियन व्यूज़ पे नहीं आते हैं, हमको 10,000 व्यूज़ पे उतने कमेंट्स थे। एक ऐसा वक्त आया था जब मैं देख रहा था, मेरे व्यूज़ से ज़्यादा लाइक्स थे, मतलब लोग बिना देखे लाइक कर रहे थे। आपने जो सपोर्ट दिखाया ना मेरी फैमिली ने, तो बस यार आपको बहुत बड़ा हाथ सौंपा, बहुत दिल से शुक्रिया। फैमिली का कितना सपोर्ट रहा, आपकी मम्मी पापा का, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? व्हेन यू स्टार्टेड न्यू इंडिपेंडेंट, व्हाट इज योर रिएक्शन अबाउट योर फादर? मेरे मम्मी पापा ने मुझे आज तक किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे इंजीनियरिंग की फ़ीस भरी, मेरे से इंजीनियरिंग नहीं हो पाई, मैं साइंस से कॉमर्स आया, कॉमर्स की फ़ीस भरी, कॉमर्स से मैंने आर्ट्स लिया, मेरे से कॉमर्स भी नहीं हो पाया था। यार शायद बचपन से एक आर्टिस्ट था अंदर, जो नहीं चाहता था कि मैं किसी के अंडर काम करूँ, एक 9 to 5 जॉब नहीं हो पाती मुझसे, कॉमर्स की फ़ीस, मेरे से कॉमर्स भी नहीं हो पाया, उन्होंने आर्ट्स की फ़ीस भरी। और मैं एक्टिंग कर रहा था, एक्टिंग में सपोर्ट किया, मैं वीडियोज़ बनाने लगा, वीडियो में सपोर्ट किया। आज मैं गाना गा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, कंपोज कर रहा हूँ, तो अब भी मेरे माँ बाप मेरे साथ खड़े हैं। मेरी मम्मी आए, मम्मी तो कभी आते नहीं है लोग किसी लॉन्च वॉन्च पे, आज आए हैं पापा। पापा आए जब आपका सॉन्ग? हाँ, मेरे रामजन के टाइम पे आए थे और एक आज आए मेरे पापा हैं। तो बस कैसा आप लोग दोनों को फील होता जब आपके बेटे इतना अच्छा करते हैं, वेरी डिसेंटली अच्छे से काम करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बेटा बाप की पहचान होता है, उससे ज़्यादा क्या चाहिए। मेरे को तो बेटे हमेशा बाप का नाम लगता है और पहचाना जाता है कि इनका बेटा है। बट आज मैं कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाभी का डैडी है। तो मैम आप क्या कहना चाहिए? हमने आपको पहली बार देखा था, मैंने आपको जब फर्स्ट सॉन्ग हुआ था दादाजी के साथ, आपने मेरा इंटरव्यू किया था समीक्षा की मम्मी के साथ। तो क्या कहना चाहिए, कितना इमोशनल आज पल भरे के जो गाना खुद का रिलीज हो रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक, प्राउड पेरेंट्स और कुछ नहीं। ये लोग बहुत कैमरा कॉन्शियस है मेरे बाबा। आदत, कुछ ऐसी कुछ चीजें आप बताना चाहेंगे जो हमें नहीं मालूम है भाविन की? भाविन तो खुली किताब है, वैसे ही वो सब बताते रहते हैं इंस्टा पे, सब जानते हैं भाविन कैसा है। तो आप लोगों को गाना कैसा लगा? फर्स्ट म्यूजिक गा रहा है, स्क्रीन भी है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, उसने मेहनत भी बहुत की है, बहुत खुद ही उसने, मतलब राइटर भी वही है, कंपोजर भी वही है, और सिंगर और एक्टर भी वही है। एक्टर भी नहीं, आप खुद गा रहे भी है, तो आपको गाना ही पड़ेगा, अभी आप ना नहीं बोल सकते ये गाना एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से है। मेरा ऐसा मानना है कि जितना प्यार एक लड़की लड़के से कर सकती है ना, उतना लड़का कभी कर नहीं सकता लड़की से। तो जैसे लड़के तो घर छोड़ के नहीं आते ना शादी के बाद, लड़की छोड़ के आती है। तो इसमें मेरी फेवरेट लाइन है गाने की, जिसमें लड़की कहती है कि बस व्याह के ले जा सजना वे, मैं मिन्नत करा तेरी, बस व्याह के ले जा सजना वे, मैं मिन्नत करा तेरी, दिल विच वस जा सजना वे, कल्याणा लगदा जी, जिधर वेखा तू ही दिसदा खोरे की ताकी, दिल विच वस जा सजना वे, कल्याणा लगदा जी, जिधर वेखा तू ही दिसदा खोरे की ताकी।